नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल. चेक इफ 20 इज मल्टीपल ऑफ 2. तो जब मल्टीपल ऑफ 2 या 3 या 4 या 5 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा अपने उसी सेम नंबर से जिसका वो मल्टीपल है. तो रिमाइंडर अगर 0 आता है दैट मीन्स वो मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो इसका मतलब वो उस नंबर का मल्टीपल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 20 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो अब इसे हम चेक करते हैं. तो यहाँ देखिए ये हमने चेक करने के लिए 20 इसका मल्टीपल है कि नहीं. तो देखिए 2 1 2 0, 2 0 0, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0. इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 है वो 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 के टेबल में 20 आता है. 2 10 20. इसी तरीके से मैं 23 चेक करती हूँ, ठीक है, कि ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं. तो देखिए 2 यहाँ पे 23, 2 1 2, 2 1 2, ये बच गया 1. तो यहाँ पे देखिए 1 इज लेफ्ट हियर, दैट मीन्स रिमाइंडर बचा है, और यहाँ पे आंसर आपका 11 आया है. तो रिमाइंडर बचा है मतलब 23 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है. तो आप 2 के टेबल में देखिए 23 नहीं आता. तो जो 2 के टेबल में या 3 के टेबल में या 4 के टेबल में वो नंबर अगर रिमाइंडर बचता है दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल नहीं है, ठीक है. तो ये इसी तरीके से हम चेक करेंगे. अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता है इसका मतलब है कि वो 23 जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल नहीं है. रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर इज 0 मतलब वो 2 का मल्टीपल है.